आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। किसान आंदोलन को गति देने के लिए गुरुवार को सहारनपुर के नागल से दिल्ली बॉर्डर तक भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली सहारनपुर से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी, जहां पर वह 26 जून को होने वाली किसान महापंचायत में शिरकत करेगी। भाई लोगों की तो कोई गिनती तो हमारी है नहीं अगवाई गिनती में जाना, हम तो असंख्य हैं, कुछ आज चलेंगे, कुछ कल को चलेंगे और जिन्हें मौका मिलेगा परसों को, चलेंगे। अब मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, आपका बिजनौर, गाजियाबाद, सारे सड़कों पर खड़े लोग, सरकार को ये दिखाना जो उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार ये कहे कि ना किसान नहीं है तो कुछ और लोग पड़े, तो आज देख लो किसान है कोई और है, पता लग जाएगा। और ये तो सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो 2022 का यूपी का चुनाव है, इतने तक वहीं रहेंगे और इस सरकार को नीचे घेर के जब तो चैन पड़ेगी ना, इनकी वो हालत करेंगे। और अगला आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है 24 तक, जब तक की तैयारी भारतीय किसान यूनियन ने कर ली, और इतने काले कानून ये वापिस नहीं होते, इतने किसान वापिस नहीं होगा, और इसके बाद तो और दूसरी रणनीति तैयार करी जाएगी। यहाँ जिलों पर भी जो है अब जो है धरने प्रदर्शन दिए, मरीन कार्यालयों में चले जाएंगे, जो गेहूँ खरीद में घोटाले हुए इसमें किसानों का आज भी घर में गेहूँ धरा और सरकार कह रही पिछले साल से दुगुना खरीद लिया, वह कहीं बाहर चले जाए। सहारनपुर के बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया। धरने के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के न आने पर शिक्षकों ने उनके कार्यालय पर ही अपना ज्ञापन चस्पा किया। यहाँ एक भ्रष्ट अधिकारी बाबू है, इस अधिकारी ने भ्रष्ट बाबू को जो है बहुत महत्वपूर्ण काम दिया है, जिसके लिए विधान परिषद में आपका क्वेश्चन में उठाया गया, 115 के अनुसार उठाया गया है, फरवरी माह में उठाया गया था, आज तक भी उसका और उसके बाद में उसको मान्यता जैसा महत्वपूर्ण काम और पेंशन बनाना, नियुक्ति देना, एडिट कामों में देना, इतना महत्वपूर्ण काम उसको दिया है जो पिछले 8 सालों से एक ही सीट पर है, जबकि सरकार बाबू को 5 साल और अधिकारी 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता और 20 सालों से जनपद में टीका पड़ा है। ऐसे भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षण में या लेकर करके अधिकारी अभी भ्रष्टाचार करता रहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे किसी भी बता सकते हैं, मुझे भगाने का काम करें, ठीक है। इसके साथ में अधिकारी को भी रखा जाएगा, अधिकारी की संदिग्ध नजर आ रही है। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में वह निजी स्कूलों द्वारा 3 माह की फीस माफ कराने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष राजेश गुलाटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन SDM को सौंपकर अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल से आज हम 3 सूत्रीय ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी द्वारा राज्यपाल जी के नाम हम देने आए हैं। हमारी जो मांग है पेट्रोल डीजल को लेकर मांग है, और आए दिन जो है पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हमारी मांग है कि पेट्रोल के रेट कम किए जाएं, क्योंकि सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादे किए थे कि 50 से 60 रुपये जो लीटर है हम पेट्रोल देंगे, लेकिन आज के रेट में 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल बिक रहा है, जिससे जो है कि हर वर्कर्स जो है परेशान हैं। दूसरी हमारी मांग जो है स्कूल फीस को लेकर है कि 12 महीने होते हैं साल के अंदर, अगर स्कूल वाले 3 महीने की अगर फीस माफ़ कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अभिभावक हैं उनको जो राहत मिलने का काम पड़ेगा, और हमारी मांग है कि 3 महीने की फ़ीस भी है माफ़ की जाए और जिसमें राहत प्रदान की जाए। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यालय पर गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हुए बहुत गंभीर हुए और सोचने लगे कि हजारों साल से जानवर से बदतर स्थिति जी रहे हैं,
खुले के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने संतों समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव असद जमाल फैजी को उनकी देवबंद क्षेत्र की आवाम की बलोस खिदमत के लिए सामाजिक संगठन खानगाह शेख उल हिंद एवं उत्तर प्रदेश नागरिकता एकता मंच की संयुक्त टीम ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। आजाद हुआ हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार कुर्बानियां हिंदुस्तान को आजाद कराने में रही है। आज उसी खानगाह की जानिब से हमारे माननीय असद जमाल फैजी साहब को, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये समाज सेवी हैं, हर वक्त लोगों की खिदमत में लगे हुए रहते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, हमने इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए हमारी खानकाह की जानिब से और नागरिक एकता मंच की जानिब की तरफ से ये हमारे तमाम ही पदाधिकारियों ने बैठकर एक मशवरा किया और आज जो है असद जमाल फैजी साहब को जो है हमने खानकाह की जानिब से सम्मान एक पत्र दिया। ऑपरेशन क्लीन के तहत थाना गागालेडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर अभियुक्त विपिन उर्फ बंटी को एक अवैध तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।